हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन शॉपिंग। आज मैं आपके साथ बायोटिक के एक और प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करने वाली हूं, जो है बायोटिक का बायो कुकुम्बर पोर टाइटनिंग टोनर विथ हिमालया वाटर। इस प्रोडक्ट का मैं आपको रिव्यू, इसके यूजेस और इसका डेमो भी दूंगी। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में जो घंटा है उसे भी बजाना, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस प्रोडक्ट को मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया था। ये प्रोडक्ट अमेजोन पे भी अवेलेबल है, मैं सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आप इसे लोकल मार्केट से परचेज करते हो तो ये आपको 175 पे मिलेगा, पर अगर आप इसे ऑनलाइन परचेज करते हो तो ये आपको डिस्काउंट पे मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आखिर आप टोनर का यूज क्यों करते हैं। दोस्तों, आप अपने फेस को फेस वॉश से धो तो लेते हो, पर उसके बाद भी आपकी स्किन पे थोड़ी मोड़ी डर्ट रह जाती है। टोनर का यूज करने से जो वो थोड़ी मोड़ी डर्ट बढ़ जाती है, वो भी एकदम रिमूव हो जाती है। सब मैं अभी आपको वीडियो में दिखा। और दोस्तों, आपकी स्किन पे ओपन स्पॉट्स की जो प्रॉब्लम होती है वो मोस्टली इस एरिया में होती है, और ऑयली स्किन में ये प्रॉब्लम तो सबसे ज्यादा होती है। मेरी भी ऑयली स्किन है तो मैं ये समझ सकती हूँ। जब आप टोनर का यूज करते हो तो वो पोर मिनिमाइज हो जाते हैं और श्रिंक हो जाते हैं। और दोस्तों, आपकी स्किन में जो एक्सेस ऑयल निकलते हैं, और मेनली ऑयली स्किन में, टोनर ये उन सबको रिमूव कर देता है और आपकी स्किन को डल होने से बचाता है। और दोस्तों, टोनर आपकी स्किन का पीएच लेवल भी बैलेंस करता है। अगर आपका पीएच लेवल ज्यादा है या कम है तो आपको एक्ने एंड पिंपल की प्रॉब्लम होती रहेगी। मेरी स्किन पे भी ये कभी कभी निकलती रहती है। तो आपको टोनर का यूज जरूर करना चाहिए, क्योंकि आपकी स्किन के पीएच लेवल को बैलेंस करता है, और साथ ही ये आपके मॉइस्चराइजर को भी लॉक करता है। और अगर आप टोनर का यूज डेली करोगे तो आपकी स्किन के टेक्सचर में भी इम्प्रूवमेंट होगी। अगर आप ये बात नहीं मानते हो तो आप खुद यूज करके देख लेना। सब स्किन टाइप वाले लोगों को टोनर का यूज करना चाहिए, और ऑयली स्किन वालों को तो मस्ट करना चाहिए, क्योंकि आपके स्किन पे जब एक्सेस ऑयल निकलते हैं तो आपको ये एक्ने एंड पिंपल की प्रॉब्लम हो जाती है। तो टोनर का यूज तो जरूर करना चाहिए। पर दोस्तों, टोनर का यूज करने से पहले एक बात हमेशा श्योर कर लेनी चाहिए कि टोनर एकदम हर्बल होना चाहिए, प्योर होना चाहिए, उसमें कोई भी अल्कोहल नहीं होना चाहिए। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसे ही टोनर का रिव्यू शेयर करती हूँ, तो चलो देख। तो गाइज, ये कुछ इस तरह के कार्डबोर्ड बॉक्स में आता है। यहाँ पे इन्होंने क्लेम किया है कि फॉर नॉर्मल टू ऑयली स्किन है और 100% आयुर्वेदिक है। आई थिंक बायोटिक के सारे प्रोडक्ट 100% आयुर्वेदिक होते हैं। यहाँ पे इन्होंने इसके कंटेंट्स लिखे हैं, जो है दारू हल्दी रूट, धनिया फ्रूट, मजू फल, पिपरमिंट ऑयल, खीरा जेल। इस टोनर में कुकुम्बर का यूज हुआ है, और हम सब जानते हैं कि कुकुम्बर आपकी स्किन के लिए कितना फायदेमंद है। यह आपकी स्किन को कूलिंग इफेक्ट देगा और आपकी स्किन के टेक्सचर को भी इम्प्रूव करता है। चलो, ये हो गई तो इसके आउटर पैकेजिंग की बात। अब मैं आपको इसका इनर पैकेजिंग दिखाती हूँ। तो ये कुछ इस तरह के बोतल में आता है। बायोटिक के सारे प्रोडक्ट ऐसे ही बोतल में आते हैं। ये इनका ट्रेडिशनल बोतल है, व्हाइट बोतल एंड ग्रीन कैप। यहाँ पे इसकी MRP लिखी है, जो है 175। पर मैंने बताया ना, मैंने इसे फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था, तो ये मुझे 30% ऑफ में मिला और ये मुझे 122 में मिला। यहाँ पे इन्होंने बताया कि इसे कैसे यूज करना है। ये स्प्रे बोतल में आता नहीं है, तो आपको इसके कॉटन पैड पे लेना है और अपने स्किन को वाइप करना है। दोस्तों, ये ऑयली स्किन के लिए तो बहुत ही अच्छा टोनर है। इसमें खीरा मिला हुआ है, कुकुम्बर, जो आप जानते हो ऑयली स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। आई थिंक ये सारे स्किन को बहुत फायदा देता है। इसकी सेल्फ लाइफ 3 इयर्स है। आप इसे आराम से 3 साल तक यूज कर सकते हो, और अगर आप इसे डेली यूज करते हो तो आराम से 3-4 मंथ तक तो चली जाता है। चलो, मैं अभी आपको इसका ओरिजिनल प्रोडक्ट दिखाती हूँ। दोस्तों, इसकी स्मेल थोड़ी हर्बल जैसी, आयुर्वेदिक जैसी, और अच्छी है। और आप जानते हो कि कुकुम्बर से बना कुकुम्बर ग्रीन कलर का होता है, तो ये भी एकदम ग्रीन कलर का, एकदम ग्रीन वाटर है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। पता नहीं आपको कैमरे पर दिख रहा है कि नहीं, पर आप देख सकते हो ये पूरा वाटर है, एकदम पानी है, और ये आपकी स्किन को एकदम हाइड्रेट रखता है। इस टोनर का यूज करके बताती हूँ। तो दोस्तों, मैंने अपने फेस को फेस वॉश से धो लिया है। अब मैं आपको टोनर लगा के दिखाऊंगी। तो इसको आपको एक कॉटन बॉल पे हल्का सा लेना है। आप देख सकते हो ये ग्रीन कलर का। अब इससे आपको अपने स्किन को वाइप करनी है। सबसे ज्यादा ओपन स्पॉट्स की प्रॉब्लम यहीं पे होती है ऑयली स्किन वालों को, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा करना है। जब आप इस टोनर का यूज करोगे तो आपकी स्किन पे कूलिंग इफेक्ट लगेगा, ठंडा ठंडा फील होगा, क्योंकि इसमें कुकुम्बर है, और कुकुम्बर आपकी स्किन के लिए कितना बेनिफिशियल होता है सब आप जानते हो। तो आप देख सकते हो इस पे कितने, फेस वॉश करने के बाद भी मेरे स्किन पे से कितने डर्ट निकले, आप देख सकते हो।
पता नहीं आपको कैमरे पे क्लियर दिख रहा है नहीं, पर आप देख सकते हो इसमें थोड़े मोड़े डर्ट लगी फुल्की। तो आप देख सकते हो टूनर लगाने के बाद मेरे स्किन में हल्की फुल्की सी साइन भी आ गई है। इसके बाद आपको कोई भी आप जो मॉइस्चराइजर यूज करते हो उसे लगा लेना है। तो गाइस ये टोनर तो ऑयली स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है और नॉर्मल स्किन वाले भी इसे यूज कर सकते हैं ऐसा इन्होंने क्लेम। मैं सारे स्किन टाइप वालों के लिए तो नहीं जानती, पर ऑयली स्किन के लिए टोनर तो एकदम बेस्ट है। ये आपकी स्किन को हाइड्रेट बनाता है और अगर आप इसे डेली यूज करते हो तो आपकी स्किन के टेक्स्चर को भी इम्प्रूव करता है। इस टोनर को तो मेरी तरफ से एक बिग थम्स अप। दोस्तों अगर आप टोनर का यूज नहीं करते हो तो टोनर का यूज करना शुरू कर दो और एक बार इस टोनर को तो जरूर यूज करना। अगर आपको ऑयली स्किन है तो इस टोनर का तो जरूर यूज करना और आप खुद ही अपने स्किन के टेक्सचर में इम्प्रूवमेंट देखोगे। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैं फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।